Today we are going to do class 7, civics chapter, role of the government in health. अब गवर्नमेंट को एक कंट्री के सिटीजन्स के लिए बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं और एक डेमोक्रेसी में लोगों की भी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट उनकी वेलबींग well उनके वेलफेयर मतलब उनकी भलाई के लिए काम करेगी गवर्नमेंट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है लोगों को उनकी वेलबींग well के लिए गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड बेटर एजुकेशन हेल्थ एम्प्लॉयमेंट हाउसिंग फैसिलिटीज गवर्नमेंट अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है नए स्कूल्स खोल के टीचर्स को अपॉइंट करके यूनिवर्सिटीज बिल्ड करके हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करके ओपनिंग न्यू हॉस्पिटल वहां पर अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके नए डॉक्टर्स को अपॉइंट करके इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना लोगों को लोन प्रोवाइड करना तो ये सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए प्रोवाइड कर सकती है एस यू कैन सी इन दिस पिचोर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हाउसिंग स्कीम्स एजुकेशन हेल्थ इन सभी सेक्टर्स में गवर्नमेंट जो है वो हेल्प कर सकती है लोगों को उनकी वेलफेयर के लिए बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हेल्थ नो समझ लेते हैं कि हेल्थ होता क्या है हेल्थ का मतलब होता है एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज हेल्थ का मतलब कि आपको कोई भी इंजरी या इलनेस नहीं है आप फ्री हो किसी भी तरह की इलनेस और इंजरी से अब ये जो हेल्थ है इसके अंदर दोनों ही हेल्थ आ जाती है फिजिकल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ भी कि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी है और आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी है हेल्थी बॉडी उसको माना जाता है जो कि अपने रोज़ के काम फुल एनर्जी के साथ कर सके अच्छे से फंक्शन कर सके और अपनी लाइफ को अप्रिशिएट कर सके हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई भी डिजीज मतलब बीमारी नहीं है हेल्थ के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर साफ साफ पानी मिलना, साफ पानी क्योंकि पानी मिलना क्योंकि से वाटर से बहुत सारी डिजीजेस होती हैं सो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज अ मेजर फैक्टर जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है देन पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट कितनी सारी डिजीजेस हैं जो हमें पोल्यूशन की वजह से होती हैं जैसे अस्थमा और बाकी रेस्पिरेटरी डिजीजेस सो ये बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ का कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो देन एडिक्वेट फूड टू ईट कि हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए फूड की जरूरत होती है तो ये बहुत जरूरी है कि हमें जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना फूड मिले और न्यूट्रिशियस फूड मिले ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है जैसे नाउ डेज ना यूथ जो है बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रही है। और वो फूड न्यूट्रिशियस होता नहीं है इसी वजह से वो हमारी हेल्थ को डिटोरिएट करता है खराब करता है सो so, अच्छा और न्यूट्रिशियस खाना हमारी हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है लिविंग स अच्छी लिविंग कंडीशन होना अच्छा शेल्टर मिलना एंड लाइफ विदाउट मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेन मेंटल हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आजकल तो बहुत ज़्यादा क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन एंगजाइटीज़ के इश्यूज आजकल सुनने में आ रहे हैं तो ऐसी लाइफ होना बहुत जरूरी है जिसमें कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ हेल्थ तो हेल्थ में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं मेंटल हेल्थ एडिक्वेट फूड लिविंग कंडीशन इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री होना ड्रिंकिंग वाटर ना हेल्थ केयर इन इंडिया हमारे इंडिया में हमारी कंट्री में हेल्थ केयर कैसा है देर आर लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत सारे डॉक्टर्स हैं क्लिनिक्स हैं हॉस्पिटल्स हैं और हमारी कंट्री को एक्सपीरियंस और नॉलेज भी अच्छा है कि कैसे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम रन किया जाता है मतलब ये जो पूरे हॉस्पिटल्स का सिस्टम है इसको किस तरीके से रन करना है हमारी गवर्नमेंट को पता है इंडिया के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में हैं एंड वन ऑफ़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया डॉक्टर्स का बहुत सारे डॉक्टर्स बनते हैं इंडिया से एंड इंडिया जो है वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है मेडिसिन का एंड इट इज फोर्थ लार्जस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन की इंडिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मेडिसिन प्रोड्यूस होती है उसमें से फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है मेडिसिन का वो इंडिया है ज्यादातर डॉक्टर्स क्या होते हैं अर्बन एरियाज में सेटल हो जाते हैं मतलब सिटीज में सेटल हो जाते हैं तो जो गाँव के लोग होते हैं जो रूरल एरिया के लोग होते हैं उन्हें अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है अबाउट फाइव लाख पीपल पाँच लोग पाँच लाख लोग हर साल मरते हैं हर साल उनकी डेथ होती है ट्यूबर क्रोइसिस की वजह से टीवी की वजह से एंड दो मिलियन केसेस मलेरिया के हर साल रिपोर्ट होते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी देखा जाए तो पहले के कंपेरेटिवली अप्रो हो रही है एंड इंडिया में बहुत ज्यादा मेडिकल टूरिस्ट भी देखे जाते हैं वर्ल्ड से ना मेडिकल टूरिस्ट कौन होते हैं वो लोग जो फॉरेनर्स होते हैं जो बाहर से आते हैं अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ताकि उन्हें अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज लोअर कॉस्ट में मिल सके तो so, ये सारी चीज़ों के लिए हम देख सकते हैं कि इंडिया में हेल्थ केयर कैसा है ऑल्सो अगर हमें प्रिवेंट होना है किसी भी डिजीज़ से हेल्थ केयर मतलब हेल्थ की कोई भी इशू से आपको बचना है या फिर आपको अपनी इलनेस ट्रीट करनी है तो उसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं जैसे हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं टेस्टिंग के लिए लैबोट्रीज होती हैं जहाँ पे कि सैंपल लिया जाता है ब्लड सैंपल आपका एक्सरे होता है इसके अलावा एक्सरे के अलावा आपका अल्ट्रासाउंड होता है एम्बुलेंस सर्विसेज अगर कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है तो एम्बुलेंस सर्विसेज ब्लड बैंक जहाँ पे कि आपको अलग अलग ग्रुप के ब्लड मिल पाते हैं देन हेल्थ वर्कर्स नर्सेज क्वालिफाइड डॉक्टर्स हेल्थ प्रोफेशनल्स ये सारी फैसिलिटीज इंडिया के हेल्थ केयर के अंदर इंक्लूडेड है और हम देख सकते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो आपको एडवाइस करते हैं आप जिस भी प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हो आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं समझते हैं और ट्रीट करते हैं विद मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स सो ये हमने समझा कि इंडिया के अंदर हेल्थ केयर कैसा है अब जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसको आप कैटेगराइज कर सकते हो दो पार्ट में पब्लिक एंड प्राइवेट नाउ पब्लिक हेल्थ केयर

पब्लिक हेल्थ सर्विसेज चेन होती है हेल्थ सेंटर्स की हॉस्पिटल्स की जो गवर्नमेंट रन करती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है पब्लिक हेल्थ का वो ये है कि यहाँ पे क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं या तो फ्री या फिर बहुत ही लो कॉस्ट लिया जाता है ताकि जो पुअर पीपल हैं जो गरीब लोग हैं वो भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकें विलेज लेवल पे देखो तो बहुत सारे हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे नर्स होती हैं एंड विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं और उनको ट्रीट मतलब पूरा अच्छे से ट्रेन किया जाता है कि कैसे कॉमन इलनेस के साथ उनको डील करना है और कैसे सब कुछ करना है हेल्थ से रिलेटेड एंड उन वो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पे डॉक्टर की सुपरविजन के अंदर काम किया जाता है नर्स काम करते हैं हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं ताकि लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके अब ये जो सेंटर्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ये बहुत सारे विलेजेस को कवर करते हैं एक रूरल एरिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सुपरवाइज़ करता है सारे हेल्थ सेंटर्स को और बड़ी सिटीज़ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है पब्लिक हेल्थ का वो है कि जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं जैसे टी वी मलेरिया जॉन्डेस्क इन सब के काम करना मतलब ये बीमारियां ना हो इनको प्रिवेंट करने के लिए काम करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये ये प्राइमरी पहली सबसे मेन ड्यूटी है गवर्नमेंट की इंश्योर करना कि लोगों का वेलफेयर हो और लोगों को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए सभी लोगों को गवर्नमेंट का ये मतलब ड्यूटी है ये गवर्नमेंट की कि उनको सभी लोगों का ध्यान रखना है हर एक इंसान के पास राइट टू लाइफ है सबको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है सो इन पिक्चर्स में आप देख सकते हो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी होती हैं बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हो रही बट स्टिल ये इंडस्ट्री अभी भी ग्रो कर रही है अब पहले से सिचुएशन बेटर हो गई है लेकिन वी कांट कंपेयर इट विद प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज क्योंकि प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इंडिविजुअल कंपनीज और उनकी जो सर्विसेज होती हैं दे आर बेटर देन गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जाती हैं बाई प्राइवेट कंपनीज वहाँ पर क्या होता है आपको और अच्छी सर्विसेज मिलती हैं लेकिन वो जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं इसलिए हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है एंड ये जो पब पब्लिक थी हमने देखी वो पब्लिक ओन करती थी प्राइवेट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सो बहुत सारे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं जो इंडिया में हम देख सकते हैं रूरल अर्बन दोनों एरियाज़ में और वहाँ पे क्या होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं रूरल एरियाज़ में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है एंड सर्विसेज जैसे कि एक्सरे अल्ट्रासाउंड मेडिकल शॉप्स भी होती हैं हॉस्पिटल्स में जहाँ से आप मेडिसिन बाय कर सकते हो लेकिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पैसा देना होता है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेने के लिए एज कम्पेयर टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हर इंसान ये अफोर्ड नहीं कर सकता नाउ एंड इक्वालिटी। वी कैन सी की इक्वालिटी तो नहीं है प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में इंडिया के अंदर प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेस प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज अब बढ़ रही हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज उतना नहीं बढ़ रही एज द कॉस्ट ऑफ़ दीज प्राइवेट सर्विसेज़ क्योंकि इन प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होती हैं प्राइवेट सर्विसेज होती हैं इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है इसलिए ज्यादा लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट सर्विसेज जो होती हैं वो कभी कभी अनएथिकल एथिकल को भी इनकरेज़ करती हैं बेयरली सिर्फ बीस परसेंट सिर्फ ट्वेंटी परसेंट इंडिया की पॉपुलेशन है जो ऐसी हाई क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ अफोर्ड कर पाती हैं जब वो बीमार पड़ते हैं सो so ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज सभी लोगों को प्रोवाइड की जाए स्पेशली जो पुअर और डिसएडवाटेज लोग हैं उनको क्योंकि हेल्थ केयर में बहुत चीजें होती हैं और ये सारी चीजें लोगों के राइट्स है कि लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाए अब ये जो कंडीशन है इसको सुधारने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं अपार्ट फ्रॉम हेल्थ केयर सर्विसेज हेल्थ केयर सर्विसेज तो हैं ही इसके अलावा हेल्थ जो होती है वो बेसिक एम्यनिटीज मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ और हमारी सोसाइटी में कंडीशन कैसी हैं उस पर भी डिपेंड करती है कि हमारी हेल्थ तभी अच्छी होगी जब हमारे आस पास का इन्वायरमेंट हमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही है, है वो अच्छी होगी अब हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो दो एरिया के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले केरला एक्सपीरियंस केरला में बहुत सारे एफर्ट्स करे गए जिससे कि लोगों को प्रॉपर एडोक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए 1996 में स्टेट गवर्नमेंट ने अपना 40 परसेंट बजट जो था वो पंचायत को दे दिया ताकि लोगों को बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए और जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उनको भी ध्यान दिया जाए वाटर फूड वुमेन्स डेवलपमेंट एजुकेशन ये सारी चीजें प्रोवाइड करी गई केरला में इसके अलावा स्कूल्स पर काम किया गया आंगनबाड़ीज पर काम किया गया इतने सब एफर्ट के बाद भी प्रॉब्लम्स जैसे कि मेडिसिन की शॉर्टेज होना मेडिसिन पड़ जाना हॉस्पिटल्स में बेड और डॉक्टर की कमी होना ये सारी प्रॉब्लम्स फिर भी देखी जा रही थी और आज के टाइम में भी देखी जाती हैं नाउ कोस्टा रिका अप्रोच हमें पता है कोस्टा रिका जो है वो सेंट्रल अमेरिका में है एंड यहाँ का एग्जाम्पल आप देख सकते हो इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ केयर क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बहुत प्रोवाइड करती है फैसिलिटी हेल्थ केयर के लिए कॉस्टारिका को कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका कॉस्टारिका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना पैसा जो है वो हेल्थ एजुकेशन और बाकी चीज़ों पास की जो बेसिक नीड होती है लोगों की उस पर स्पेंड किया इनस्टेट अपनी आर्मी में वो पैसा लगाने की जगह तो उन्होंने अपना जो पैसा वो आर्मी में लगाते हैं ठीक है उसकी जगह उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए वो पैसा यूज किया और कॉस्ट एरिका की गवर्नमेंट बिलीव करती है कि कोई भी कंट्री जो है उसको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए तो हेल्थ पे अटेंशन देना बहुत जरूरी है वहाँ की गवर्नमेंट बेसिक सर्विसेज और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है वहाँ के सभी लोगों के लिए फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड करना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी न्यूट्रिशन हाउसिंग इन सब चीज़ों पर काम करती है सो so, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप कमेंट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हेल्थ क्या होता है इंडिया के अंदर हेल्थ केयर कैसा है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी हैं देन हमने पढ़ा कि केरला और रिका वहाँ पे क्या क्या हेल्थ के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो बाय